हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम महादेव जी का शिवलिंग बनाने जा रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाफ़ यू बना लेंगे, नहीं हाफ़ यू नहीं, पूरा यू बनाएंगे जो कि उल्टा है, और फिर एक लाइन खींच के और फिर हल्का सा कर्व देके हम शिवलिंग बनाएंगे, या फिर हम शिवलिंग को शिवलिंगम भी कह देते हैं, शिवालिंगम। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिखिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे त्रिशूल बना रहे हैं, तो त्रिशूल के लिए सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर एक हम जो कि है रिबन की तरीके से बनाएंगे, और फिर हाफ सर्कल थ्री लाइन, हाफ सर्कल थ्री लाइन, और फिर जो कि है ओवल को हम डार्क कर देंगे। ये देखिए, छोटा ओवल हमने डार्क कर दिया है। अब हम टू सर्कल और फिर उसके ऊपर लीफ और फिर यू और फिर बड़े यू की हेल्प से जो कि है हमने पूरा त्रिशूल बनाया है। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और बेलपत्र जो कि है बना देंगे। अब हम जो कि है महादेव भगवान जी के डेकोरेशन, यानी कि उनकी जो साइड का है पार्ट, उसको हम डेकोरेट करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पे जो कि है ट्रायंगल बनाए हैं, आप चाहे तो कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल से जो कि है डेकोरेशन किया है। तो देखिए, हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस तो करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिखिएगा। और अब हम यहाँ पे कुछ नीचे की साइड में फ्लावर्स बना देंगे, ताकि जो कि है डिज़ाइन में अच्छे लगे। अपना मनपसंद डेकोरेशन रख सकते हैं, आपको जिस तरीके का डेकोरेशन करना है आप उस तरीके का डेकोरेशन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे केवल फ्लावर्स बनाए हैं, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, जो कि फ्लावर्स ऊपर से गिर रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से फ्लावर से पूरा सजा देंगे। बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन है। आप ये ड्राइंग पेंसिल से ही कीजिएगा, मैंने मार्कर से की है। अब देखिए, हम यहाँ पे महाशिवरात्रि जो कि है लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे इस डिज़ाइन में जो कि है महाशिवरात्रि लिखा है, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे डबल करके लिखा है, ताकि जो कि है वो अच्छे तरीके से निखर के आए, बहुत ही जो कि है अच्छा लगे देखने में। और आप अपने तरीके से भी महाशिवरात्रि लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। हमने महाशिवरात्रि अब हमने लिख ही लिया है। अब हम जो कि है यहाँ पे जो ट्रायंगल्स जो हमने ऊपर बनाए हैं, उसमें हम डॉट्स बनाएंगे और लाइन बनाएंगे। देखिए, जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ, पहले ट्रायंगल में डॉट्स, दूसरे ट्रायंगल में हम लाइंस बना देंगे, तो ऐसे ही मैंने इस तरीके से किया है, और आप अपने मनपसंद तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने दूसरे में किया है, तो आप अपने मनपसंद तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने अपने मनपसंद तरीके से किया है। अब हम इसमें अलग अलग तरीके से कलर फिल कर देंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन, पिंक, डार्क ब्लू, और इसी तरीके से हम अलग अलग कलर से फ्लावर को जो कि है सजा देंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, जब ये ड्राइंग पूरी बन जाएगी तो ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। और संग के संग हम जो कि है महाशिवरात्रि को भी कलर करेंगे, मतलब जो हमने लिखा है। देखिए, ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, और जब ये पूरी बन जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे स्किन कलर फिल किया है, अब ये हल्का सा ग्रीन, और फिर अब जो की है शिवलिंग, तो उसमें हम जो कि है ब्लैक कलर फिल करेंगे, और ये जो मैंने थ्री लाइंस बनाई है इसको हम ऐसी छोड़ देंगे जो कि वाइट रहती हैं। तो देखिए, इस तरह से हम जो कि है शिवलिंग को भी
कलर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हर जगह कलर किया। अब हम त्रिशूल की स्टिक पे ब्राउन कलर फिल करेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी पुरानी जो वीडियो है और जो नई वीडियो है वो आती रहे आपके पास। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।